मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विकास पर्व मना रही है जो एक महीने तक चलेगा। ये पर्व 16 जुलाई से शुरू हुआ है जो 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नागदा जिले की घोषणा भी की। इसके अलावा प्रदेश भर में कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। रोज हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। चुनावी साल में सरकार की विकास यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इसमें जनता के साथ साथ पार्टी को भी फायदा होगा। विकास यात्रा की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात की और मध्य प्रदेश में विकास की तुलना 2003 से कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे सड़क हो, खेती किसानी हो, सिंचाई हो, बिजली हो या GSDP, सभी में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने एक एक काम को गिनाकर बताया कि 2003 में मध्य प्रदेश के हालात बेहद खराब थे, मगर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हम विकास पर्व मना रहे हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश में विकास पर्व चल रहा है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 17 वर्षों में विकास का एक नया इतिहास रचा है। 2003 तक जहां टूटी फूटी 1,00,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, जिनको गड्ढों में ढूंढना पड़ता था, आज 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाकर मध्य प्रदेश की जनता को हमने दी है। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट जो कभी माइनस में हुआ करती थी, इस साल 16% के ऊपर है, पिछले साल 18% के ऊपर थी। और मुझे कहते हुए भी गर्व है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो दुनिया में मानी जाती है कि 2-3% अगर है तो काफी है, लगातार एक दशक से ज्यादा तक 18% की ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश ने हासिल किए। जहां 2003 तक केवल 100 मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन होता था, आज 700 मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन हो रहा है। पर कैपिटल इनकम जो केवल 11,000 रुपया हुआ करती थी, अब 1,40,000 रुपया हो गई है। अगर GSDP का साइज देखें, जो कभी 71,000 करोड़ था, आज बढ़ के 15,00,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। देश की GSDP में मध्य प्रदेश का योगदान पहले केवल 3% के आसपास हुआ करता था, आज 4.6% के आसपास पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम विकास पर्व मना रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।